बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 4 का ओवरव्यू ले लिया था। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सेल्फ टेस्ट, जो क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर नंबर 4 के एंड पे दिए हुए हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर देखेंगे चार जो ऑप्शंस नीचे दी हुई हैं उन ऑप्शंस में से कौन सी रेलिवेंट ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर बनता है उसको हम देखेंगे। तो आप अपने सामने ये बुक ओपन कर लीजिएगा, ऑल्दो के स्क्रीन पे भी आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आप अपने पास क्वेश्चन जो स्टडी टेक्स्ट है आपकी अगर आप वो सामने रख लें तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे उम्मीद है स्क्रीन पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द बिलो बेस्ट डिस्क्राइब्स अ वर्कशीट। नीचे चार स्टेटमेंट्स हैं और आपसे ये पूछा गया, आप बताएं कि उन स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो वर्कशीट को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है, वर्कशीट को डिफाइन कर रही है। सबसे पहले तो आप ये सोच लें वर्कशीट क्या होती है। वर्कशीट के मतलब आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ डिटेल से हमने गो थ्रू कर ली थी, जान लिया था कि वर्कशीट क्या होती है। एक्सेल के अंदर जो मेन एक फाइल बनाते हैं उसे वर्कबुक कहते हैं, उस वर्कबुक के अंदर नीचे शीट्स होती हैं, जैसे आपकी नोटबुक है उसमें शीट्स होती हैं, पेजेस होते हैं, ऐसी एक्सेल की वर्कबुक यानी मेन फाइल उसमें शीट्स होती हैं, उन शीट्स को हम वर्कशीट्स कहते हैं। अब वो जो वर्कशीट्स हैं, वर्कशीट है उसके मतलब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट अब ज़्यादा अप्रोप्रिएट वे में वर्कशीट को डिफाइन कर रही है। पहली स्टेटमेंट, द ओवरऑल फाइल दैट कंटेन्स वन और मोर स्प्रेडशीट्स। ओवरऑल फाइल जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं, वर्कशीट को आप स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वर्कशीट को डिफाइन नहीं कर रही, बल्कि ये एक्सेल की फाइल को जिसे हम वर्कबुक कहते हैं उसे डिफाइन कर रही है, लिहाजा ये पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। सेकेंड, अ पैरामीटर दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई इधर इंडिविजुअल सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स, ये वाली स्टेटमेंट भी वर्कशीट को डिफाइन नहीं कर रही। अ पैरामीटर दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई इधर इंडिविजुअल सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स को हम वर्कशीट नहीं कहते, या ऐसा पैरामीटर जो किसी सेल को या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स को डिफाइन कर रहा हो वो वर्कशीट या स्प्रेडशीट नहीं कहलाती। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। द लॉजिकल ग्रुपिंग्स ऑफ कमांड्स दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम टॉप ऑफ एक्सेल स्क्रीन। लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कमांड्स, एक्सेल की टॉप साइड पे कोई लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कमांड्स है उसे हम वर्कशीट कहते हैं, तो ये भी सही बात नहीं है। वर्कशीट तो एक्सेल के टॉप पे नहीं होती, वो तो सेंटर में करके होती है, यानी वर्किंग एरिया होता है। तो ये जो सी के अंदर ऑप्शन है ये रिबन को एक्सप्लेन कर रही है कि रिबन जो है वो लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कमांड्स होती है जो कि टॉप पोर्शन में होता है। होम टैब जैसे है उसमें लॉजिकल ग्रुपिंग्स होती हैं और इस तरीके से अदर टैब्स में भी। तो ये वर्कशीट को तो डिफाइन नहीं कर रही है स्टेटमेंट। अब डी ऑप्शन ही बच जाती है, उसे एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लेते हैं। इंडिविजुअल स्प्रेडशीट्स दैट बिलोंग टू अ वर्कबुक। इंडिविजुअल स्प्रेडशीट जो कि एक वर्कबुक से बिलोंग कर रही होती है, तो ये वाली ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट और सूटेबल है, लिहाजा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बेटा इस तरीके से आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और एक एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ये रेलिवेंट बन रही है नहीं बन रही। इस तरीके से आप, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ जो आपके लिए काफ़ी खुशी का बायस भी होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम के अंदर, मैंने पहले भी बताया था, एग्ज़ाम के अंदर आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप और आप उस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई ऐसी ऑप्शन दी हुई है जिसे आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेल को ओपन करेंगे, वहाँ जाके उस ऑप्शन को आप ढूंढें, तलाश करें, परफॉर्म करें, जो रिजल्ट सामने आता है उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के अंदर, एक्सेल को ओपन करके आप सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद आप आंसर कर सकते हैं। आमतौर पर शॉर्टकट से रेलिवेंट जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है एक्सेल को ओपन करने का। आपको डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ दी होंगी, आप एक्सेल ओपन करें, अगर आपको याद नहीं है कि जो शॉर्टकट की मुझसे पूछी जा रही है किस चीज़ की है, तो आप एक्सेल में जाके परफॉर्म करके देख लें कि ये जो शॉर्टकट की है क्या टास्क परफॉर्म करती है, आपको आइडिया हो जाएगा, आप फिर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द बिलो डिस्क्राइब द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। तो ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुकी हुई है, इसकी शॉर्टकट आपको याद हो जानी चाहिए। कंट्रोल एन जो है
वो शॉर्टकट की है, लेकिन इसमें देखिएगा ऑप्शन ए में भी कंट्रोल एन लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में भी कंट्रोल एन लिखा हुआ है, साथ कुछ और भी लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कंट्रोल एन, आप प्रेस करेंगे वाइल्स्ट इन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है उसमें रहते हुए आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो नई वर्कशीट ओपन, नई ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। क्या ये बात ठीक है? ऑब्वियसली ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेशन का वर्ड तो अभी हमने कहीं नहीं पढ़ा। प्रेजेंटेशन एक्सेल की फाइल को या एक्सेल की वर्कबुक को हम प्रेजेंटेशन तो नहीं कहते हैं। ये याद रखिएगा कि पावर पॉइंट के अंदर जाके हम जो फाइल क्रिएट करेंगे उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो पावर पॉइंट के अंदर एक्सेल की फाइल तो नहीं ओपन होगी, वो तो पावर पॉइंट की ही फाइल ओपन होगी, लिहाजा ये पहले वाली ऑप्शन ठीक नहीं। ऑल्दो के उन्होंने शॉर्टकट ठीक लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने आगे जो बात लिखी है एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन के अंदर रहते हुए आप ये की प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। प्रेजेंटेशन में रह के आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो प्रेजेंटेशन ओपन होगी, एक्सेल की फाइल ओपन नहीं होगी। क्लिक न्यू प्लस ब्लैंक वर्कबुक ऑन द फाइल टैब, फाइल टैब के अंदर जाके आप न्यू पे क्लिक करें और ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करें, तो ये तो एक प्रोसीजर है नई वर्कबुक को ओपन करने का। क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जा रहा है आपसे वो शॉर्टकट की पूछी गई है आपसे कि आप शॉर्टकट की बताएं कि वो कौन सी है नई फाइल को ओपन करने के लिए, तो ये शॉर्टकट की नहीं है, तो एक प्रोसीजर है। सी ऑप्शन कंट्रोल एन वॉइल्स इन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, किसी एग्जिस्टिंग वर्कबुक में रहते हुए कंट्रोल एन प्रेस कर दें तो ऑब्वियसली यही वाली ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद डी ऑप्शन रेलिवेंट नहीं है। क्लिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, तो उससे क्या होगा एक्सेल की स्क्रीन ओपन होगी, नई ब्लैंक फाइल ओपन नहीं होगी, उसमें आपको पहले न्यू ब्लैंक फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। और ये भी प्रोसेस को बताया जा रहा है, इसमें शॉर्टकट की अवेलेबल नहीं है, तो आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिएगा। कैन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स आर टेम्पलेट, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो टेम्पलेट को सही डिस्क्राइब कर रही है। तो टेम्पलेट के मुतालिक आप पढ़ चुके हुए हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं कि ये पहले से एक फॉर्मेटेड रेडीमेड फाइल होती है जिसमें डाटा डिज़ाइन वगैरह पहले से मौजूद होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख लेते हैं इसमें कौन सी ऑप्शन रेलिवेंट है। नंबर वन ऑप्शन ए, अ फाइल दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स दैट कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा। तो ये टेम्पलेट को तो नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा है स्टेटमेंट के अंदर। इस स्टेटमेंट में जो एक्सप्लेन किया जा रहा है अ फाइल दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स, तो ये तो एक्सेल की नॉर्मल फाइल को एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक्सेल की नॉर्मल फाइल उसमें एक एक से ज़्यादा आप शीट्स मैनेज कर सकते हैं, उसमें डाटा मैनेज कर सकते हैं, तो टेम्पलेट का इसमें कोई हवाला नहीं है। सेकेंड ऑप्शन एन इंडिविजुअल स्प्रेडशीट दैट बिलोंग्स टू अ वर्कबुक, एक्सेल की वर्कबुक उसमें नीचे डिफरेंट शीट्स होती हैं, स्प्रेडशीट्स होती हैं, उसमें से किसी एक स्प्रेडशीट को आप क्या टेम्पलेट कहते हैं, तो ये भी बात ठीक नहीं है। टेम्पलेट की डेफिनेशन हमने ये वाली नहीं पढ़ी हुई, ये तो इंडिविजुअल शीट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऑप्शन सी अ प्री फॉर्मेटेड वर्कबुक डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस सच एज ट्रैकिंग सेल्स, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है टेम्पलेट की। तो टेम्पलेट असल में क्या होती है, एक प्री फॉर्मेटेड वर्कबुक होती है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन करके रखी होती है, आप ओपन करके उससे अपना काम चला सकते हैं। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन नाइन करेक्टर एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज एक्सेल फाइल, ये रेलिवेंट नहीं है, ऑब्वियसली ये किसी तरह भी टेम्पलेट से रिलेट नहीं कर रही है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ कैन यू एक्सेस द ऑफिस बैकस्टेज व्यू, ऑफिस बैकस्टेज व्यू में आप जाना चाह रहे हैं तो कैसे उसे एक्सेस करेंगे। आप देखते हैं कि उसने आपको क्या क्या ऑप्शन बताई हुई है। पहली स्टेटमेंट प्रेस कंट्रोल बी व्हेन इन एन ओपन वर्कबुक, जब आप ओपन वर्कबुक की ऑप्शन में हैं या किसी वर्कबुक को आपने ओपन किया हुआ है तो उसमें आप कंट्रोल बी प्रेस करें तो उससे बैकस्टेज व्यू ओपन होगा कि नहीं होगा, अभी आपको इसके मतलब कुछ पता नहीं है, आप ये परफॉर्म कर लें। आप एक्सेल की कोई फाइल ओपन करें, कंट्रोल बी प्रेस करें और चेक करें कि बैकस्टेज व्यू आपका ओपन होता है कि नहीं होता, आप इसको परफॉर्म करके देखिएगा। कंट्रोल बी से बैकस्टेज व्यू ओपन नहीं होता, कंट्रोल बी एक शॉर्टकट है जो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसे बैकस्टेज व्यू ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इस तरीके से कोई ऑप्शन आ जाए ना अगर आपको, आप उसे परफॉर्म करके देख सकते हैं एग्जाम के अंदर भी, परफॉर्म कर लें आपको आइडिया हो जाएगा इससे क्या हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन क्लिक ऑन द फाइल टैब विद इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है,
अब डॉक्यूमेंट से मुराद एक्सेल की फाइल भी हो सकती है और वर्ड का डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे ये जनरल सा एक क्वेश्चन उसने बना के पूछा हुआ है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, क्लिक ऑन द फाइल टैब विद इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट, जब आपने एक्सेल की कोई डॉक्यूमेंट से मुराद एक्सेल की फाइल ही है तो उसके अंदर रहते हुए आप क्या करेंगे, फाइल टैब पर क्लिक कर दें, तो क्या बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाता है? ऑब्वियसली फाइल टैब पर क्लिक करने से ही बैक स्टेज व्यू ओपन होता है। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये वाली करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं, गो टू डेस्कटॉप स्टार्ट मेन्यू सेलेक्ट बैक स्टेज फ्रॉम एक्सेल ऑप्शन, ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है स्टार्ट मेन्यू में जाके एक्सेल के अंदर। और क्लिक ऑन बैक स्टेज व्यू टैब विद इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट, बैक स्टेज व्यू के नाम से कोई टैब अवेलेबल नहीं है। ये आप देख सकते हैं, एक्सेल को ओपन आप करेंगे और एक्सेल को ओपन करने के बाद आप ऊपर जो टैब्स दी हुई हैं उसमें आप उसको ओवरव्यू कर लें, होम टैब, इंसर्ट, ऑनवर्ड, सारी हेल्प तक हैं, लेकिन बैक स्टेज व्यू के नाम से कोई टैब नहीं है। हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो फिर आप बैक स्टेज व्यू में चले जाते हैं। फाइल टैब पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और ये हमारे सामने जो व्यू आ गई, ये बैक स्टेज व्यू है। तो ये जो ऑप्शन हमने पढ़ी है सेकेंड वाली, वो ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, दिस ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर प्रिंट प्रीव्यू? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। प्रिंट प्रीव्यू, आपने एक्सेल की फाइल ओपन की हुई है और आप उस फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू में जाने के लिए आपके पास कौन सी शॉर्टकट की अवेलेबल है, कौन सी शॉर्टकट की ये वाला काम कर देगी? आप देखेंगे इसमें जो शॉर्टकट की लिखी हुई है कंट्रोल से स्टार्ट होनी है, और हमने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि कंट्रोल पी करने से, कंट्रोल पी प्रेस करने से आप क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में चले जाएंगे। तो कंट्रोल पी के नाम से तो कोई शॉर्टकट की यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। आप देखते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब इसका भी वही तरीका है, आप एक्सेल की फाइल ओपन करें और इन शॉर्टकट कीज़ को वन बाय वन प्रेस करके देखते जाएं। आपके सामने जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, किसी शॉर्टकट को प्रेस करके वही उसकी की होगी। तो मैं इसको परफॉर्म करता हूँ, एक्सेल की फाइल में ओपन कर रहा हूँ, ये वाली फाइल में आपके सामने ओपन है। सबसे पहली जो शॉर्टकट की थी वो कंट्रोल F2, कंट्रोल F2 प्रेस किया, तो जैसे ही कंट्रोल F2 प्रेस किया आप देखिएगा आप प्रिंट प्रीव्यू में आ चुके होंगे। प्रिंट की ऑप्शन आपके सामने इस वक्त एक्टिव है, तो ये पहले वाली ऑप्शन ही आपका काम कर दिया, कंट्रोल F2। अब इसमें आप याद रखें, आपने अपनी स्टडी टेक्स्ट के अंदर कहीं नोट किया होगा कि प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल पी शॉर्टकट की है, उसके साथ ये वाली की भी ऐड कर लें, कंट्रोल F2, ये एक दूसरी की है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। अब फर्दर ऑप्शन को आप परफॉर्म करके देख लें, उससे अदर टास्क मेरा तो परफॉर्म होंगे लेकिन प्रीव्यू नहीं आएगा, तो आपका काम आसान हो गया, फर्स्ट ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन सिंगल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट? एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है और हमने इसको जब हम इंटरफेस डिस्कस कर रहे थे वहाँ भी हमने इसको देखा था कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ऑब्वियसली इसमें 256 कॉलम्स तो नहीं है, 16,384 कॉलम्स हमने पढ़े थे। सी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन्स अ न्यू वर्कबुक विद हाउ मेनी डिफॉल्ट वर्कशीट्स? जब आप एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं, एक ब्लैंक फाइल ओपन करते हैं, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स नीचे आ रही होती हैं? तो ये पिछले लेक्चर में भी हमने जब रिव्यू लिया था उसमें भी डिस्कस किया था कि बाय डिफ़ॉल्ट तो एक ही शीट आ रही होती है, ऑल दो कि आप उस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं एक्सेल ऑप्शंस में जाके, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंगल शीट आ रही होती है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है पहले से जो सेटिंग हुई हुई है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक्सेल की जो पहले से उसमें मौजूद है उसके मुताबिक कितनी शीट्स आती हैं, तो वो एक ही शीट आती है। ऑप्शन ए आंसर है इसका। ये याद रखिएगा, एक चीज़ आपको बताता चलूं कि इसमें 3 वर्कशीट्स भी लिखा हुआ है। एक्सेल 2016 जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है उसमें ओनली वन वर्कशीट, ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर आप एक्सेल 2010 जो कि पहले आई कैप ने टेस्ट किया था, प्रीवियस वर्जन एक्सेल का एक था एक्सेल 2010, उसके अंदर जो है एक्सेल की फाइल जब ओपन करते थे तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स आती थी। तो एक्सेल 2010 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आंसर जो है वो बी बनता है, लेकिन आपके सिलेबस में एक्सेल 10 नहीं है, एक्सेल 16 है, उसे इंस्टॉल करके आप यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे फाइल को, तो आपको नज़र आएगा कि नीचे बॉटम एक ही शीट उसके अंदर
बाय डिफॉल्ट आ रही होती है, तो आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दैट वर्क्स बिहाइंड द सीन्स करेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन मिस्टेक्स। एक्सेल का वो कौन सा फीचर है जो बिहाइंड द सीन काम कर रहा होता है, यानी फ्रंट पे आपको कोई उसमें वो काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बैकेंड पे वो काम कर रहा है ऑटोमेटिकली और कर क्या रहे हैं, करेक्टिंग डिफरेंट कॉमन मिस्टेक्स, करेक्टिंग डिफरेंट कॉमन मिस्टेक्स। एक्सेल के अंदर आप टाइपिंग भी करते हैं, नाम वगैरह भी लिखते हैं डिफरेंट चीज़ों के, और इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह भी लिखते हैं। तो एक्सेल के अंदर एक फीचर है जो बैकेंड पे काम कर रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली आप अगर कोई वर्ड टाइप करते हैं और उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को ठीक कर देते हैं। जैसे आप वर्ड टाइप करके एंटर करेंगे, अगर उसमें कोई मिस्टेक है वो उसको ठीक कर देगा। अब ये वाला जो फीचर है ये चैप्टर 4 में हमने कहीं नहीं पढ़ा, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर ही आई कि आपने इसको डिस्कस किया हुआ है, इसको अब यहीं पर हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन से आपने परेशान नहीं होना कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये सिर्फ आपकी एक आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये वाली ऑप्शन, ये वाला फीचर कहाँ पे है और वो कैसे काम कर रहा होता है। ये वाला जो फीचर है एक्सेल का, ये असल में है एक्सेल की जो ऑप्शंस वाली विंडो है उसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है और इसका नाम है ऑटो करेक्ट। मैं इसका पहले आपको आंसर बता दूँ, ऑटो करेक्ट के नाम से एक्सेल में एक फ़ीचर है जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा होता है। इसको भी हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। हम फाइल टैब में जाएंगे, फाइल टैब में बिल्कुल बॉटम पे ऑप्शंस, उस पर क्लिक करेंगे, बड़ी सी विंडो आपके सामने आ जाएगी, उसके अंदर ये फीचर अवेलेबल है। इसको गो थ्रू करते हैं। एक्सेल ओपन किया हमने, उसमें फाइल टैब पे क्लिक किया, फाइल टैब में बॉटम पे आके देखिएगा ये ऑप्शंस है, ऑप्शन वाली जो ऑप्शन है इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक बड़ी सी विंडो ओपन हो चुकी हुई है, एक्सेल ऑप्शंस। इसे आप फैमिलियर होंगे, आपको याद होगा कि हमने इस विंडो को यूज़ करके एक्सेल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स हैं जो नई वर्कबुक ओपन करते वक्त आप नीचे देखना चाहते हैं वो हमने चेंज की थी, और आप बॉटम पे आके देखें यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है 5 में। अब इसमें जो है ना वो ऑप्शन अवेलेबल है जो बैकएंड पे काम कर रही है और डिफरेंट तरह की इंग्लिश की मिस्टेक्स को करेक्ट कर रही होती है, वो ऑप्शन यहाँ पे है लेफ्ट साइड पे जो पैन है इसमें, प्रूफिंग, प्रूफिंग वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और राइट साइड पे अगर आप देखें ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस ये वाली, और इसके साथ यहाँ पे एक बटन बना हुआ है इसको हम देखते हैं, ये ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। असल में ये वो ऑप्शन है, ये वो फीचर है ऑटो करेक्ट वाला जो बैकएंड पे काम कर रहा होता है और कॉमन मिस्टेक जो हो रही होती हैं आमतौर पर हो जाती हैं यूज़र से उसको ठीक कर देते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, हमारे सामने की विंडो ओपन हो चुकी हुई है ऑटो करेक्ट के नाम से, ऑटो करेक्ट के नाम से ये एक टैब एक्टिव है और उसमें ये देखिएगा कि डिफरेंट ऑप्शंस है, और नीचे यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये लिखा हुआ रिप्लेस, रिप्लेस दीज करेक्टर्स विद दीज, इसका ये मतलब है। अब इसमें देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड स्क्रॉल करता हूँ, देखिएगा यहाँ से आपको समझ आएगा। अब देखिएगा ये एक वर्ड इसमें ऐड है अबाउट, लेकिन इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, डबल भी लिखा हुआ है इसके अंदर। एक्सेल क्या करेगा, अगर आप बाय मिस्टेक या कोई भी यूज़र एक्सेल के अंदर अबाउट के ये स्पेलिंग टाइप कर देता है, एक्सेल इसको रिप्लेस कर देगा इनकोरेक्ट स्पेलिंग के साथ, इस वर्ड को इसके साथ रिप्लेस कर देगा और ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक्सेल में काम कर रहे हैं किसी भी सेल में आके आपने अबाउट टाइप किया, डबल भी गलती से लिख दिया, जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे तो एक्सेल उसको ठीक करके ये वाला वर्ड कर देगा। और इसी तरीके से अबाउट के स्पेलिंग अगर आप यूँ लिख दें, यू आखिर में ले जाएं बाय मिस्टेक, तो एक्सेल उसको ठीक करके ये कर देगा। जैसे ही आप टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे एक्सेल उसे ठीक करके जो है ना सेल में स्टोर कर देगा। तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं और साथ करेक्ट वर्ड्स भी यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, आप इसमें खुद से भी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप कोई वर्ड ऐड कर दें, आप चाहते हैं कि आपको पता है कि मैं आमतौर पर एक्सेल में टाइप करता हूँ तो ये वर्ड मैं लिखता हूँ जो कि गलत है, आमतौर पर मुझसे गलत ही लिखा जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, मैं चाहता हूँ जब भी मैं गलत टाइप करूँ ये वर्ड एक्सेल उसको इसके साथ रिप्लेस कर दें। तो जो गलत वर्ड आमतौर पर आप टाइप कर देते हैं वो यहाँ लिख दें, सही वाला यहाँ लिख के उसको रिप्लेस कर दें, तो ऐसे जो है ना वो वर्ड ऐड हो जाएगा।
तो इसके मतलब आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी है कि ये वो फीचर है जो बैकएंड पे काम कर रहा होता है कॉमन मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए। इसके लिए ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैंसिल कर रहा हूँ इसे मैं, ये एक्सेल ऑप्शन वाली जो विंडो है इसे भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और उसमें आंसर इसका डी है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक यूनिट ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डाटा इज कॉल्ड। वो बेसिक यूनिट जिसके अंदर आप डाटा एंटर करते हैं, आप बताएं उसे एक्सेल के अंदर हम क्या नाम देते हैं। तो शीट पे आते हैं, एक्सेल की वर्कशीट पे आते हैं। ये देखिएगा, हमने ये स्टडी किया था कि ये जो इंटरफेस है जो आपको नज़र आ रहा है, इस इंटरफेस में टॉप पे जो है ये सारे के सारे कॉलम्स कहलाते हैं। ये कॉलम ए है, बी है, सी है, ऑनवर्ड, ये सारे के सारे कॉलम्स कहलाते हैं। और लेफ्ट साइड पे ये सारी रोज कहलाती हैं। और इनके इंटरसेक्शन पे, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पे जो बॉक्स बना हुआ है, इसे हम सेल का नाम देते हैं। और सेल वो बेसिक यूनिट है जिसमें आप डाटा एंटर करते हैं। किसी भी सेल को आप क्लिक करेंगे और उसके अंदर टाइपिंग शुरू कर देंगे और आपका डाटा उस सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो सेल वो असल में बेसिक यूनिट है किसी भी शीट के अंदर जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हैं, टाइप करते हैं। तो आप देख लें वहां जाके कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनती है। इसमें पहली जो ऑप्शन है टैब, फिर उसके बाद रेंज, फिर एड्रेस, फिर सेल। सेल ऑब्वियसली वो बेसिक यूनिट होता है एक्सेल की वर्कशीट का जिसमें आप डाटा वगैरह ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। When you type data in Microsoft Excel, it will display in which of the following cells? In which of the following cell? जब आप Excel के अंदर, Excel की वर्कशीट में डाटा टाइप करना शुरू कर दें तो वो कौन से सेल में डाटा टाइप होगा? अब इसको देख लेते हैं। प्रीवियस सेल, एक्टिव सेल, रेफरेंस सेल, होम सेल, ये अजीब अजीब से नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो इसमें याद रखें, एक टर्म आप याद रख लें, एक्सेल की वर्कशीट पर जब हम काम करते हैं तो जिस सेल पे हमने क्लिक किया हो, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ, ये देखें इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सिलेक्टेड से, इस सिलेक्टेड सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। एक्टिव सेल, ये सेल इस वक्त एक्टिव है। आप जो कुछ भी कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो इस सेल के अंदर लिखा जाएगा। अगर आप किसी और सेल पे क्लिक कर दें, जैसे मैं माउस के जरिए से यहाँ पर आ रहा हूँ, ये सेल है D1, इस सेल का नाम है D1, कॉलम और रो के नंबर से मिल के सेल का नाम बनता है। तो इस सेल का नाम D1 इस वक्त ही एक्टिव है। एक्टिव सेल की पहचान ये होती है कि उसके इर्द गिर्द ये जो डार्क किस्म का बॉर्डर जो है ना, ये लग जाता है। बाकी और सेल्स में नहीं है, सिर्फ जो सेल आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जो आपका एक्टिव सेल है, उसके इर्द गिर्द ये डार्क कलर का ऐसे बॉर्डर बना होता है। आपको स्क्रीन से ही नज़र आ जाएगा देख के कि इस वक्त कौन सा एक्टिव सेल है। और ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि जिस सेल को आपने सिलेक्ट किया हो, जो सेल आपका एक्टिव सेल हो, उसका नाम आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में नज़र आ रहा होता है। ये नेम बॉक्स हमने जब एक्सेल का इंटरफेस डिस्कस किया था उस वक्त आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये एक्सेल का नेम बॉक्स कहलाता है। ये देखिएगा, इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। और नेम बॉक्स में आपका जो एक्टिव सेल है उसका नाम आ रहा होता है, वहाँ आपको D1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं सिलेक्शन को चेंज करता हूँ, किसी और सेल पर क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा B1 पे मैंने क्लिक कर दिया, B2 पे क्लिक कर दिया, तो ये B2 पर आपको नेम बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, देखिएगा। तो नेम बॉक्स का ऑब्जेक्टिव भी एक आपके सामने आ गया। नेम बॉक्स का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे आपको एक्टिव सेल का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, और एक्टिव सेल के अंदर ही जो जो आप डाटा टाइप करते हैं, एक्टिव सेल में वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन, कौन सी ऑप्शन जो है वो रेलिवेंट बनती है। ऑब्वियसली इसमें जो ऑप्शन बी है ये आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल लाइंस जो हैं एक्सेल की वर्कशीट में, ये आपकी क्या कहलाती हैं? ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। एक्सेल की वर्कशीट में जो आपको हॉरिजोंटल लाइंस नज़र आ रही होती हैं या फिर ऐसे वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही होती हैं, उन लाइंस के मतलब आपसे पूछा हुआ है कि ये लाइंस क्या होती हैं। इसको भी देखते हैं, एक्सेल की वर्कशीट में आके देखिएगा, ये आपको दो कॉलम्स के दरमियान में एक ये लाइन नज़र आ रही है, डिम सी लाइन, ये ऐसे नीचे की तरफ चल रही है, ऐसे ऑनवर्ड ये सारी लाइंस चल रही हैं, ये वर्टिकल लाइंस हैं। और यहाँ पे दो रोज़ के दरमियान भी आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं।
तो इन लाइंस के मुताबिक आपसे पूछा गया इनको टेक्निकली क्या नाम दिया जाता है। तो एक्सेल के अंदर याद रखें कि ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो कॉलम दो कॉलम्स को आपस में सेग्रीगेट करती हैं, दो रोज़ को आपस में सेग्रीगेट करती हैं, इन लाइंस को टेक्निकल जो इनके लिए टर्म बोली जाती है वो ग्रिड लाइंस हैं, इनको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। याद रखें लाइंस के मुतल्लिक पूछा गया है कि वो लाइंस क्या कहलाती हैं, तो ये ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। ये देखिएगा, ये पहली ऑप्शन ये अवेलेबल है, ग्रिड लाइंस। अच्छा, इसमें इसी क्वेश्चन के अंदर आप देखिएगा ऑप्शन बी, रोज एंड कॉलम्स। तो क्वेश्चन के अंदर मैं फिर स्पेसिफाई कर दूँ, ये हाईलाइट में कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के मुतल्लिक आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में लाइंस का वर्ड है, इसलिए ग्रिड लाइंस आंसर है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सेग्रीगेशन या कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया गया, अदरवाइज इसका आंसर रोज एंड कॉलम्स भी हो सकता था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो सेग्रीगेशन की हुई है एक्सेल की वर्कशीट की, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम रोज एंड कॉलम्स भी कह सकते हैं। लेकिन लाइंस की अगर बात करेगा तो फिर ग्रिड लाइंस है, ये याद रखिएगा। मार्जिन्स रेलिवेंट नहीं है, बाउंड्रीज किसे कहते हैं, बाउंड्रीज भी देख लीजिएगा ज़रा। किसी भी सेल के इर्द गिर्द, किसी भी सेल के चारों तरफ ये जो लाइन है, ऑल तो ये ग्रिड लाइन है, लेकिन इसको बाउंड्री हम उस वक्त कहते हैं जब किसी खास एक स्पेसिफिक सेल के हवाले से हम बात कर रहे हो कि सेल के इर्द गिर्द जो फेंट और डिम लाइंस हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उस सेल की बाउंड्री कहते हैं। लेकिन ओवरऑल वर्कशीट के हवाले से बात की जाए तो वर्कशीट के अंदर ये जो लाइंस हैं, जो वर्टिकल भी चल रही हैं, हॉरिजॉन्टल भी चल रही हैं, इनको कलेक्टिवली हम ग्रिड लाइंस का नाम देते हैं। और एक सेल के हवाले से अगर बात की जाए तो एक सेल के इर्द गिर्द इन्हीं लाइंस को हम बाउंड्रीज कहते हैं, ये उस सेल की बाउंड्री है। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 मुझे उम्मीद है आपके लिए आसान होना चाहिए। पूछ रहे हैं आपसे, टू सेव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक यूजिंग द शॉर्टकट कीज़ यू नीड टू प्रेस, कौन सी की प्रेस करेंगे, एक्सेल की एक वर्कबुक को आप सेव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की आपसे पूछी जा रही है। ऑब्वियसली हमने इसको पढ़ा हुआ डिटेल से, बार बार पढ़ा हुआ है, कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट्स दैट यू कैन ऐड टू अ वर्कबुक, एक वर्कबुक में हम कितनी शीट्स ऐड कर सकते हैं, शीट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड कितनी कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें याद रखिएगा, रिव्यू के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप एक्सेल की नई ब्लैंक फाइल जब ओपन करना चाह रहे हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नीचे कितनी शीट्स आप एक वक्त में देखना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब जैसे ही ओपन करें नीचे आपको नंबर ऑफ़ शीट्स नज़र आ रही हूँ। तो वो हम सेटिंग में, ऑप्शन में जाके हमने देखा था कि वहाँ 255 एक फिगर है, वो हम वहाँ लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन वहाँ ये भी एक्सप्लेन किया था मैंने कि 255 लिमिट नहीं है, ये सिर्फ आपको उस बॉक्स में लिखने के लिए एक नंबर की लिमिट है कि आप इतना नंबर लिख सकते हैं। यानी जब आप ब्लैंक फाइल ओपन करें तो फर्स्ट व्यू में आपको 255 मैक्सिमम शीट्स नज़र आएंगे, लेकिन आप बाद में और ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और जो प्लस का बटन बना होता है नई वर्कशीट ऐड करने के लिए, उस पर क्लिक करके या शॉर्टकट की यूज़ करके आप नई वर्कशीट्स मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। कितनी ऐड कर सकते हैं, एक्सेल में इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना जो है उसकी प्रोसेसिंग पावर वगैरह और मेमोरी उसकी कितनी ज़्यादा है। ऑब्वियसली आप शीट्स ज़्यादा ऐड करेंगे तो उसमें डाटा वगैरह भी ऐड करेंगे तो फाइल का साइज़ हैवी होता जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़रा स्लो होती जाएगी। तो ये आपके सिस्टम की जो मेमोरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी शीट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल की तरफ से कोई लिमिट अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसे में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतनी सिर्फ शीट्स ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी बनेगा, लिमिटेड बाई अवेलेबल अमाउंट ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 14, the default top and bottom page margins in Microsoft Excel for both portrait and landscape orientation, आपने अपने पेज की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखी हो या लैंडस्केप रखी हो, दोनों सूरतों में आप बताएं कि टॉप और बॉटम जो मार्जिन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के पेज पे कितने होते हैं। तो इसका भी आसान सा तरीका, आप एक्सेल की कोई फाइल ओपन करें और प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखें और उसमें देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन सिलेक्टेड है उसमें कितने टॉप बॉटम मार्जिन आ रहे हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। इसका बेहतर तरीका यही है, जब भी आप इस तरीके से किसी क्वेश्चन के अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वगैरह के मतलब पूछा हो, डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितने होते हैं, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या होते हैं, तो आप ब्लैंक फाइल ओपन करें। बाज़ का होता है कि ऐसी कोई फाइल आप ओपन करके जिसमें हमने पहले से कोई काम किया हुआ है और सेटिंग्स को कुछ चेंज किया हुआ है तो उसमें फिर आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। आप ब्लैंक फाइल ओपन करें, उसमें जाके देखें कि वहाँ आपने
वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्या जो सेटिंग्स आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करके ब्लैंक फाइल ओपन कर रहा हूँ, कंट्रोल एन, ये एक ब्लैंक फाइल मेरे सामने आ गई एक्सेल की, और इसमें फाइल में जा रहा हूँ, फाइल के बाद प्रिंट, ऑल दो कि आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल पी या कंट्रोल एफ टू प्रिंट में आने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं मार्जिन्स, ये देखिएगा नॉर्मल मार्जिन्स, ये वाला, ये ऑप्शन हमने पढ़ी थी नॉर्मल मार्जिन्स। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि टॉप और बॉटम मार्जिन्स बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं। यहाँ पे जो ऊपर ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट हो लैंडस्केप हो दोनों सूरतों में आप बताएं नॉर्मल मार्जिन्स कितने होते हैं। तो हम अभी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देते हैं और नीचे मार्जिन्स देखते हैं। नॉर्मल मार्जिन जो है देखें टॉप पे 0.75 और बॉटम पे भी 0.75 आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से आके ओरिएंटेशन चेंज कर दूँ, लैंडस्केप कर दूँ, लैंडस्केप पे क्लिक किया, अब देखें अभी 0.75 ही है टॉप बॉटम मार्जिन, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ऑप्शन आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कौन सी ऑप्शन रेलिवेंट बनती है। इसमें इसमें बी ऑप्शन 0.75 इंच ये वाली ऑप्शन इसका आंसर बनेगी इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑल शेयर्ड वर्कबुक यूजर्स, शेयर्ड वर्कबुक ये क्या होती है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बाय मिस्टेक यहाँ पे आईकैप की तरफ से ऐड हो चुका हुआ है। इस क्वेश्चन का ताल्लुक आपका एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें शेयरिंग वगैरह पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर आपका 8 है, उससे रेलिवेंट है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसको आप मार्क कर लें। और ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 और 15 ये दोनों क्वेश्चन इनका ताल्लुक नेक्स्ट चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 8 है उससे रेलिवेंट है, इनको आप इग्नोर कर दें फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 16, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अ रेक्टेंगुलर ग्रिड, ग्रिड ग्रिड का वर्ड अंडरलाइन कीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर ग्रिड कंटेनिंग हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स हॉरिजॉन्टल रोज, कॉलम और रोज की एक ग्रिड, ग्रिड कहते हैं जिसमें ज्यादा कॉलम और ज्यादा रोज हों, बॉक्सेस बने हों, उसको हम ग्रिड कहते हैं। रेक्टेंगुलर ग्रिड जिसमें कॉलम्स भी बने हुए हैं रोज भी बनी हुई हैं, उसको आपसे पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है एक्सेल के अंदर। तो आप ज़रा सोच के बताइएगा एक्सेल के अंदर अब ये जो चार ऑप्शन दी हुई हैं इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो रेलिवेंट बनेगी। अब आपसे पूछा जा रहा है ग्रिड के मुतालिक, हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम्स का जो एक मजमूआ है उस मजमूए को क्या नाम देते हैं। ऑब्वियसली आप इसे ग्रिड लाइन्स का नाम तो नहीं देंगे, वो तो लाइन्स को कहते हैं, कॉलम और रोज के ऊपर मुश्तमिल जो एक जो है एक बॉक्स है रेक्टेंगल ग्रिड है उसे हम वर्कशीट का नाम देते हैं। वर्कशीट, वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट की डेफिनेशन यही है कि इसमें कॉलम और रोज होते हैं और कॉलम और रोज के मजमूए को हम वर्कशीट कहते हैं। तो ये आंसर इसका वर्कशीट बनेगा। डेटा शीट कोई रेलिवेंट टर्म नहीं है, टेबल एक्सेल के अंदर एक टर्म है लेकिन ये अभी आपने नहीं पढ़ी और ना ही आपकी ये सिलेबस के अंदर है, लिहाजा ये रेलिवेंट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बता दिया ये नेक्स्ट एक चैप्टर से रेलिवेंट है। यहाँ तक हमारी डिस्कशन थी इन क्वेश्चंस के ऊपर, थोड़ा सा आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमने एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के जो अंदर वर्ड्स लिखे होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर हम रेलिवेंट एक एक ऑप्शन को इवेल्यूएट करके देखेंगे कौन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन रही है। और इसके लिए आपको परफॉर्म भी करना पड़ सकता है, एक्सेल में आके आप परफॉर्म करें, इवेल्यूएट करें, ऑप्शंस को गो थ्रू करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी ऑप्शन रेलिवेंट है। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम के अंदर भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए 100% जो ऑप्शंस को 100% क्वेश्चंस को करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना आपके लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एरिया की तरफ जाएंगे, अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। चैप्टर नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है, इसमें टॉपिक्स भी हमने सारे देख लिए और उससे रेलिवेंट जो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है वो भी आज हमने डिस्कस कर लिए। आप इन सारे के सारे एरियाज़ को गो थ्रू करें दोबारा से ताकि ये सारी टर्म्स सारे एरिया सारी चीज़ें आपके जो है फिंगर टिप्स पे आ जाए। आप बार बार इन्हें परफॉर्म करेंगे, बार बार सुनेंगे और ख़ास तौर पर ख़ुद से परफॉर्म करेंगे तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको मेमोराइज हो जाएंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें इतनी कोई टेक्निकल या कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, इनको याद रखना। परफॉर्म करते रहने से बार बार आपको शॉर्टकट कीज़ भी याद हो जाएंगी और टर्म्स भी याद हो जाएंगी,
ये बेसिक चैप्टर है आपका एक्सेल का। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज की तरफ जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे एक्सेल पे आपने काम कैसे करना है, डेटा वगैरह को कैसे मैनेज करना है, कैसे फॉर्मेट करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, शुक्रिया।